स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत में प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास विष कन्याएं हुआ करती थी, जो उनके सबसे खतरनाक दुश्मन को मारने या कोई भेद निकालने के काम आया करती थी। इनके बनने की एक खास प्रक्रिया होती थी, ये एक तरह की ह्यूमन वेपन हुआ करती थी। चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि विष कन्या कैसे बनाई जाती थी और ये कौन होती थी। दोस्तों, ये वो छोटी बच्चियां होती थी जो अक्सर राजाओं की अवैध संतानें होती थी, जैसे दासियों से उनके मेल से आई संतानें या फिर अनाथ या गरीब बच्चियां। इन्हें राजमहल में रखकर खान पान का ध्यान रखा जाता था। कुछ दिनों बाद इन्हें जहरीला बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। कम उम्र से ही कम मात्रा में अलग अलग तरह का जहर दिया जाता था। यह जहर खाने में मिला होता था। धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ाई जाती थी। इस प्रक्रिया में ज्यादातर बच्चियां मर जाया करती थी। कुछ विकलांग हो जाती थी। जो बच्चियां सही सलामत रहती उन्हें और घातक बनाया जाता था। इन्हें नृत्य, गीत, साहित्य, सजने संवरने और लुभाने की कला में पारंगत बनाया जाता था। पूरा ध्यान रखा जाता था कि वो इस तरह से तैयार हों कि किसी राजा महाराजा से बातचीत करके उन्हें लुभा सके। युवा होते होते वो इतनी जहरीली हो जाती थी कि उनके शरीर का स्पर्श भी जानलेवा हो जाया करता था। चूंकि विषकन्या का पूरा शरीर यानी उनका थूक, पसीना, खून सब कुछ जहरीला हो चुका होता था, लिहाजा उनसे किसी भी तरह का संबंध जानलेवा साबित होता था। उनका इस्तेमाल दूसरे राजाओं या सेनापति को मारने या फिर जरूरी जानकारियां निकलवाने के लिए किया जाता था। जहरीला बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को मिथ्रीडाइटिज्म नाम से जाना जाता है। इसके तहत शरीर में धीरे धीरे जहर डालकर उसे जहर के लिए इम्यून बनाया जाता है। इस शब्द का इतिहास भी दिलचस्प है। ये पोंट्स और आर्मेनिया के राजा मिथ्रीडेट्स सिक्स्थ के डर से उपजा था। राजा के पिता को जहर देकर मारा गया था। इससे राजा इतना डर गया था कि वो तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा था। भविष्य में उसके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए वो रोज खुद थोड़ा थोड़ा जहर खाता ताकि उसकी मौत ना हो। मिथ्रीडाइटिज्म हर तरह के जहर के साथ नहीं किया जाता था। इसके लिए केवल उसी तरह का जहर लिया जाता था जो बायोलॉजिकली ज्यादा जटिल संरचना के हों, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम उसी पर प्रतिक्रिया देता है। एक बार थोड़ा जहर देने के बाद दोबारा उसी तरह का जहर देने पर लीवर की कंडीशनिंग हो जाती है और वो ज्यादा एंजाइम बनाता है जिससे जहर पच जाए। इसे साइनाइड के उदाहरण से समझा जा सकता है। सेब या कई दूसरे फलों के बीज में साइनाइड होता है जो अक्सर हम खा भी लेते हैं। चूंकि ये थोड़ी मात्रा में शरीर के भीतर जाता है, इसलिए आदि हो चुका हमारा लीवर उसे पचा जाता है। कहा जाता है कि ग्रीक राजा सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, जब दुनिया फतेह करने निकला था तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे भारत की विषकन्याओं के बारे में आगाह किया था। युद्ध कला के महारथी मैसेडोनिया के इस प्रशासक ने भारत फतेह के दौरान खास ध्यान रखा कि उसका यहाँ की युवतियों के साथ कोई संबंध ना हो, या हो भी तो जांच परख कर। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान उनके सलाहकार और गुरु चाणक्य ने इसमें विषकन्या तैयार करने की जरूरत पर बात की है। हिंदू मैथोलॉजी कल्कि पुराण में विष के बारे में कहा गया है कि वो इतनी जहरीली होती थी कि देखने या छूने से भी जान ले सकती थी। नृत्य गीत के देवता गंधर्व की पत्नी सुकन्या भी विषकन्या मानी जाती थी। साहित्य में भी बेहद हसीन इन विषकन्याओं की चर्चा होती रही है। खासकर संस्कृत साहित्य में इसका काफी जिक्र मिलता है। हिंदी लेखिका शिवानी ने इस पर उपन्यास भी लिखा है। वहीं मराठी साहित्य में भी इन पर लिखा गया है। विषकन्या अनकहे रहस्य नामक किताब की लेखिका विभा राही ने सन 2009 में ये कहकर तहलका मचा दिया था कि ऊंची जाति की महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नीची मानी जाने वाली जातियों के पुरुषों से संबंध बनाती हैं। आत्मकथानक इस किताब में इसी पर बात की गई थी। साल 2007 में विषकन्या किताब आई थी जो HIV/AIDS पर बात करती है।
इस पर फिल्में भी बनी हैं, जैसे 1943 में बनी विषकन्या में लीला मिश्रा ने अभिनय किया था। लोक कथाओं में भी विषकन्या विषय खूब फला फूला है। संस्कृत साहित्य सुकसप्तित में तोता अपनी कहानी की नायिका को अपने शरीर के जहर से मारने वाली युवती पर कहानी सुनाता है। विदेशी साहित्य में भी ये विषय अछूता नहीं रहा। इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड एडवर्ड हॉन्समैन के ख्यात कविता संकलन एशफ्रॉयड लेड में मिथ्रिडाइटिज्म को रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है, यानी गंभीर कविता अपने पाठक पर मिथ्रिडाइटिज्म की तरह ही असर करती है। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज तो मौजूद नहीं है जो पुराने समय में विषकन्याओं के होने की पुष्टि कर सके, लेकिन तब भी दुनिया भर के साहित्य और लोक कथाओं में उल्लेख इसके होने पर मोहर लगाता है। हनी ट्रैप को विषकन्या का ही आधुनिक टर्न भी माना जाता है। ये एक तरह की महिला जासूस होती है जो सेना के अधिकारियों से जरूरी जानकारी निकालने के लिए अपनी सुंदरता को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। कई ऐसी हनी ट्रैपर रही जो किंवदंतियां बन चुकी हैं। इन्हीं में से एक है माताहारी। इन्हें बाद में एजेंट H21 के नाम से भी जाना जा गया है, जो कि एक सीक्रेट कोड था। नीदरलैंड्स में साल 1876 में जन्मी माताहारी का असली नाम मार्गरेट टेस्ला था। बाद में एक पुजारी ने इन्हें माताहारी का नाम दिया। इंडोनेशिया में इसका अर्थ सूर्य होता है। ये बेमिसाल सुंदर और बेहद कामुक नृत्यांगना थी। पहले विश्व युद्ध में उन्हें जर्मनी की ओर से फ्रांस की जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी गई थी, लेकिन आखिर तक ये साफ नहीं हो सका था कि वो दरअसल किसके लिए काम करती थी। हाल ही के वक्त में भारतीय डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता पर भी हनी ट्रैप का इल्जाम लगा है। वह इस्लामाबाद की इंडियन हाई कमीशन में काम करती थी। उन पर आरोप था कि वह पाकिस्तान की ओर से भारत की जासूसी कर रही हैं। बिल हॉस्ट के एक ऐसे ही विश्व पुरुष हैं जो मियामी में सांपों के लैब के डायरेक्टर हुआ करते थे। वह मेडिकल और रिसर्च के लिए सांपों के जहर निकाला करते थे। उन्हें सैकड़ों बार दुनिया के सबसे जहरीले सांपों ने काटा था। धीरे धीरे वह हर तरह के जहर के लिए इम्यून हो गए। गिनीज बुक में भी उनका नाम है। ऐसे ही बर्मा मूल का एक शख्स जहरीले सांपों का जहर निकालकर उनसे अपने शरीर पर टैटू बनाया करता था। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।